सीरियल्स की कहानियों का और रियलिटी शोज का हाल तो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, लेकिन अगर इनका हाल चाल जानना है ना, अच्छे से जानना है, इनके बारे में सब कुछ करनी है, अच्छे से जान पहचान, तो बिता लीजिए इनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिन। कौन है ये, ऐसे नहीं बताएंगे, सिर्फ दिखाएंगे। एक डॉक्टर जो डांस करता है, एक डॉक्टर जो सबको हंसाता है, एक डॉक्टर जो टोपी लगाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है, बड़ा ही संस्कारी है, रसोई का हर काम जानता है, लेकिन सेट पर जाकर मेकअप शेकअप लगाकर बन जाता है संजू बाबा। Hi, this is Baba. जिनकी चौकी में आते हैं प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर, बाबा बनकर सबको हंसाता है, लेकिन दिल से है बिल्कुल शुद्ध देसी। सास बहू बेटे आज आपको मिला रहा है डॉक्टर संकेत भोसले से, जो हैं तो डॉक्टर लेकिन सबको देते हैं हंसी की दवाई, क्योंकि ये हैं कॉमेडियन जिन्हें आपने कई रियलिटी शोज में हंसते हंसाते हुए संजय दत्त के रूप में देखा है। भाई आजकल ये एमटीवी बीच के रियलिटी शो बाबा की चौकी में फिल्म सितारों का इंटरव्यू करते हैं, तो कैसे हैं संकेत भोसले रियल लाइफ में, कैसा है उनका घर, कैसी होती है उनकी सुबह, क्या करते हैं रसोई में, कौन है उनकी फैमिली में, किस तरह का डांस पसंद करते हैं और कैसे बन जाते हैं संकेत डॉक्टर से एक कॉमेडियन, पर ये सब जानने के लिए आज हम डॉक्टर संकेत भोसले के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे और दिखाएंगे कि कैसी होती है इस हास्य कलाकार की जिंदगी, यानी एक ओरिजिनल डे आउट विद संकेत भोसले, जिसकी शुरुआत हमने की सुबह सुबह डॉक्टर संकेत भोसले के घर पर जाकर, बजा के उनके घर की घंटी और उन्हें कहकर हेलो डॉक्टर गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। अरे आज तक वाले आने वाले थे, आप तो पूरे सास बहू और बेटिया सब लोग आ गए। आइए आइए प्लीज, कम वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए आइए, वेलकम टू सास बहू और बेटिया। आज आप देखेंगे कि किस तरीके से आज तक के लोग अपना दिन शुरू करते हैं, मतलब मेरे लोग आज तक के साथ, मैं आज तक के साथ किस तरीके से पूरा दिन शुरू करता हूँ। ज्यादातर लोगों ने संकेत को रियलिटी शोज में और सोशल मीडिया पर सलमान खान और संजय दत्त की नकल उतारते हुए देखा है, यानी वो है मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन रियल लाइफ में वो महाराष्ट्र की एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने MBBS की पढ़ाई की है, तो जरा मिलते हैं उनकी फैमिली से, क्योंकि रियल लाइफ में संकेत है मम्मी पापा के बेटे। पहले हमारे मम्मी पापा से मिल लीजिए, मेरी मम्मी, मेरे पापा, यहाँ से मेरा दिन शुरू होता है, यहाँ से मैं आया हूँ, तो मेरा हर दिन यहाँ से शुरू होता है। प्लीज मैं मम्मी के साथ ज्यादा दिखता हूँ, इसलिए मम्मी के साथ बैठो। हाँ ऐसे सब लोग सच में दिखता हूँ वैसे, जो बीवी बोलेगी वो राइट है, इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हमारे बाबू काका से मिलिए, हमारे ड्राइविंग फोर्स बाबू काका हमारे हर वेंचर में हमारे साथ होते हैं, सबसे ज़्यादा मदद करते हैं हमें। मेरा चहिता कॉर्नर वो है, यहाँ बैठ के मैं पूरे आराम से ये सामने टीवी देखता हूँ, यहाँ पे गेम खेलता हूँ, कुछ करता हूँ, ये यहाँ पे आराम से अपना लेट के कभी पढ़ता हूँ, ये बुक्स है मेरी, मुझे वो लाइफ के बारे में जो बुक्स होते हैं वो पढ़ना अच्छा लगता है, जिसने लिखा हो, हर बुक एक इंसान है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि जिसने लिखा है उसने अपनी पूरी फीलिंग के साथ लिखा होता है, तो वी कैन मीट सो मेनी पीपल इन शॉर्ट टाइम, आपको किसी की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, बस एक किताब खरीदनी और उसको पढ़ना है, तो आपके सामने वाले के विचार समझ में आते हैं और एक इंसान समझ में आता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी उनके बारे में पढ़ी है, इट हेल्प्स अ लॉट, वो लोग कैसे अपना दिन शुरू करते हैं, मैं वहाँ से पढ़ के फिर अपना दिन शुरू करता हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ। संकेत आके डॉक्टर से कॉमेडियन कैसे बने, भाई इनमें इनके मम्मी पापा का हाथ है, लेकिन रियल लाइफ में बड़ी कॉमेडी करते हैं, और जरा देखिए उनके घर पे ये टोपियों का कलेक्शन, क्योंकि टोपी पहनना उनका फेवरेट शौक है, इसलिए उनके ड्राइंग रूम में ही टोपियां सजी हुई हैं, वो भी तरह तरह की। आज तक मुझे लोगों ने इतनी टोपियां पहने में सारी जमा करके रखता हूँ कि मेरे पास प्रूफ है कि मुझे और टोपी मत पहनाओ, मेरे पास बहुत है, मूड होना उसके ऊपर, मैं कई बार मैं ये सिलेक्ट करता हूँ वो पहन लेता हूँ, वो सिलेक्ट करता हूँ ये पहन लेता हूँ,
20 के अंदर भी टोपी में टोपी, ये मुझे पहनाई थी एक कौन घेतला था एक कोई, ये कौन से चैनल ने पहनाई थी मुझे ऐसे नहीं है, मुझे टोपियों का बहुत शौक है तो मैं बहुत ऐसे पसंद करता हूँ टोपी पहनना। और ख़ास करके जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हम लोग, पापा और मैं, हम लोग बहुत ट्रैक्स पे जाते हैं और कभी फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तो टोपी वगैरह बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं ये पहन लेता हूँ, ऐसी पहन लेता हूँ कुछ। और टोपी की एक ख़ास बात ये है कि आप इसके अंदर कुछ रख के भी पहन सकते हो, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बाल बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके बाल कितने भी बिखरे हो तो आप टोपी पहन लो और कहीं पर भी जा सकते हो जल्दी जल्दी में। और इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको धूप नहीं लगती, अगर ये वाटरप्रूफ है तो आपको पानी से भी बचाव होगा। और टोपी होती है स्टाइलिश होती है, आप अच्छे भी लगते हो, आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, मैं अच्छा करता हूँ। खैर संकेत ने टोपी तो पहन ली, लेकिन अब जरा देखिए उनका एक और स्किल और वो है डांसिंग स्किल। वैसे मजा तब आता है जब संकेत अपनी पूरी फैमिली के साथ ये झिंगा डांस करते हैं, यानी इस हंसी के पीछे है संकेत की फैमिली का हाथ। अब जरा नजर डालते हैं संकेत के घर पर जो उनकी ढेर सारी ट्रॉफीज और अचीवमेंट से सजा हुआ है। भाई डॉक्टर और कॉमेडियन दोनों ही काम बड़े टेढ़े हैं और जिसे संकेत बड़ी बखूबी कर रहे हैं। वैसे रियल लाइफ में संकेत डॉक्टर होने के साथ साथ किचन के कला में भी पारंगत है, तो जरा देखें कि किचन की कितनी चीजें जानते हैं। चलो बाबा, इतना बर्तन भी मुझे, सारा काम मैं खुद करता हूँ, सब मैं करता हूँ। कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं डिश वॉशर, यह वाला डिश वॉशर अच्छा है, उससे सफाई होती है। सफाई हाथ से होती है भाई, मुझे इतना सब धोना है, खाना बनाता हूँ मैं रोज़, फिर सफाई करता हूँ, अभी तक तो घर की भी पूरी सफाई, बाकी बाद में शूटिंग करने जाना है, पता नहीं कितना काम करूँगा। ये धोया था कि मैंने, कॉमेडी भी करो, बर्तन बर्तन धो, सब इतने सारे काम इतने छोटे जीवन काल में, क्या बताऊँ आपको। अरे वाह, सब रेडी भी है, मैंने ही खुद ही रेडी किया है। मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको बिरयानी खानी है, अभी बिरयानी बनाऊँ। एग बहुत पसंद करता हूँ, एग इज़ अ शॉर्टेस्ट मील, मजाक मस्ती बंद और सीरियस काम चालू, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, बनाओ मत लेकिन मैं बनाऊंगा, ठीक है। एग हमेशा आप लेते हो तो एग कैसे बनाना चाहिए बता दो, पहले एग धो के लो, क्योंकि जब एग आता है तब वो कहाँ होता है हमें पता नहीं होता, जब कैसे कैरी करते हैं उसको धो, क्योंकि फोड़ने के बाद एग आजू बाजू लग कर आता है उसके, तो एग थोड़ा सा धो लिया। ओके, ऑयल जितना आपको लगे उतना यूज़ कीजिए, मैं थोड़ा पसंद करता हूँ ऑयल, ये ऑलिव ऑयल है। और अलग अलग तरीके का ऑयल हमेशा यूज़ कीजिए, अरे डॉक्टर कह रहा हूँ आपको, हर एक महीने में दो महीने में आपको अलग अलग, जैसे ग्राउंड नट ऑयल यूज़ कर लिया, कभी ऑलिव किया, कभी राइस ब्रैन, अपने अलग अलग अपने हिसाब से देखिए, लेकिन चेंज करते रहिए, एक ही पे आप ऐसे स्टेबल मत रहिएगा। पसंद है मुझे बहुत अलग अलग मसाले यूज़ करना, मुझे बहुत पसंद है। अब देखो मेरा भुर्जी बनते जा रहा है, ठीक है, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था कि ऑमलेट बनाओ। चम्मच पीनट बटर लो, उसे मुंह में रखो, खाओ, उसको च्यू करो और साथ में एक ब्लैक कॉफ़ी का सिप लो, अलग ही टेस्ट आता है उसका, आप कभी करके देखिए, बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद एक ऑमलेट खाइए और बाद में वापस एक कॉफ़ी पीजिए, एकदम मज़ा आ जाता है, एनर्जेटिक है काफ़ी, आप देख रहे हो ना एनर्जी। मैंने थोड़ा वर्कआउट चालू किया है वापस, गुड। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉफ़ी पीना गलत बात है, अच्छी नहीं होती कॉफ़ी, कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत सालों से पी रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मतलब ठीक ठीक होगी। कॉफ़ी इज़ अ स्टिमुलेंट, ज़्यादा भी ना पियो, कुछ लोग एकदम ऐसे 12 कप वगैरह कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो तकलीफ तो देगी। ये कॉफ़ी शॉट, आई लाइक दिस कॉफ़ी शॉट, मुझे कॉफ़ी शॉट पसंद है। हाँ, हमेशा मसाले का डब्बा ना इस्तेमाल करने के बाद बंद करके रखो, क्योंकि नहीं रहने दो, एक बार क्या हुआ था फिर उसमें कुछ उड़ जाता है, और मैं मेरे सारे दोस्त ना वेज खाने वाले भी हैं, नॉन वेज खाने वाले भी, तो मैं नॉन वेज के लिए अलग डब्बे मसाले वाले और वेज वाले अलग डब्बे मसाले वाले, तो हम यहाँ पे ऐसा सेक्शन कर लेते हैं, ये पूरा वेज कॉर्नर बन जाता है, एक नॉन वेज कॉर्नर बन जाता है, तो यहाँ पे नॉन वेज वाले लोग अपने लिए खाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे ही, क्योंकि मुझे टीवी पे अपने आप को देखना तभी पसंद है जब टीवी बंद हो, पता है आपको, टीवी बंद होगा तो आप दिखते हो खुद को। ये है थिंकिंग चेयर, ये इस खाना खाते हो इस चीज़ से दूर रहो, फोन बंद करके खाओ अच्छे से, दबा के खुश होके
कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो सब मत सोचिए, आराम से खाइए बस। बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे आपको कि अरे इसने गलत काटा, अभी मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो अभी ये सब होगा ही ना। नेवर ट्राई दिस एट होम। मेरे ना मेरी आदत ये है बचपन से कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ या फिर जहाँ जाता हूँ कुछ भी करता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चालू रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मुझे आप पूछोगे ना मेरे पास म्यूज़िक ऑन रहता है हमेशा, कि कोई भी सिचुएशन पे जो मतलब कुछ ना कुछ मेरा एक चलता रहता है। जैसे मैं आपको जैसे मैं और मेरी आदत भी ये रही है हमेशा कि जैसे खाते खाते मेरा अभी ये आ रहा है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये मैं गा नहीं रहा हूँ, ये चल रहा है मेरे दिमाग में, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समान कल हो न हो। क्या वाला और म्यूजिक के पीस के साथ वो भी चल रहा है मेरे दिमाग में, सबके साथ। और जब मैं कितनी भी टेंशन में हूँ म्यूजिक चलता रहता है मेरे दिमाग में, क्योंकि उस सिचुएशन में वो म्यूजिक जा रहा होता है। क्या बात है, तोंडाला तोंड माझं मिळ गगन बघू न दुश्मन वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ टिंग 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 कळ पाणी थेंब थेंब गळ चल ग राणी गाऊया गाणी फिरूया पाखरा संग। पाखरा मतलब वो ततैया, अंग मतलब बॉडी, बॉडी मैं ऐसा बीच बीच में बताऊंगा, अंग मतलब बॉडी मतलब आपका और मेरा प्यार जुड़ जाए आगे टंग 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 टंग, तो आपको पता ही है मतलब हर गाने में होता है। लगली कर पानी थेम थेम एंडिंग म्यूजिक। देखो आदमी बनता नहीं, आदमी बनाया जाता है। उस वक्त की कहानी है जब मैं पढ़ाई करता था और मैं टीचरों की नकल किया करता था और हमारे सर उस वक्त मैं एक्चुअली टीचरों के एग्ज़ाम में क्या होता है ये मुझे कब रियलाइज हुआ आपको बता रहा हूँ, जोक्स अपार्ट नहीं जोक्स ही है ये सारे जो मेरे साथ हुए हैं तब जाके मैं ये सब सीखा हूँ। एग्ज़ाम में मुझे कई बार हमें होता ना एक सवाल आता है उसका जवाब याद नहीं आता कि कैसे याद करूँ ये क्या क्या था क्या था याद था मुझे क्या था, तो मैं सीधा उस लेक्चर में जाता था उस पीरियड में जाता था जब वो टीचर वो पढ़ा रहे होते थे, तो मैं उनकी मैं उन मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती थी कि वो क्या था जवाब, तो मैं फट से लिख देता था। फिर मैंने एक दिन उनकी आवाज़ करके देखी, ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको ऐसा होता है, तो मैंने एक दिन मैंने कहा अरे ये तो वो आवाज़ बड़ी आसान है, तो मैंने करके देखी तो आवाज़ आई। डायलॉग्स तो मेरे पास थे क्योंकि उन्होंने लेक्चर लिया था, तो मुझे वो डायलॉग्स जो स्क्रिप्ट थी उस वक्त का वो जवाब था वो मुझे एज अ स्क्रिप्ट दिमाग में था, उनकी आवाज़ उसकी नकल मेरे गले में थी और नकल कैसे करनी उसकी अकल भी मेरे पास है। और जो लोग नकल करते हैं उनको अकल होती है, ये बात आप ज़रूर बोलिएगा, जिन जिनको नकल नहीं आती उनको भी होती है लेकिन वो शायद इधर यूज़ नहीं करते, हालांकि ये दूसरी बात है। लेकिन मैं टीचरों की नकल करता था, फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हमारे बैचमेट्स हैं दोस्त हैं मेरे उनके सामने कभी के तो सब खुश हो गए, सब एकदम उनको उनके चेहरे पे स्माइल देखी मैंने, तो मैंने कहा ठीक है लेट्स टेक दिस थिंग फॉरवर्ड और टेक इट फॉरवर्ड एंड धीरे 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 मैं दोस्तों की भी नकल करता रहा तो दूसरे दोस्त खुश हो जाते थे और एक हंसी मजाक का माहौल मैं जहाँ पर भी जाता था तो वहाँ पर वो बन जाता था अपने आप, तो विच यूज़ टू मेक पीपल हैप्पी। तो जब लोग खुश होते हैं तो अपने आप अपने गले से अलग अलग आवाज़ें आती हैं और इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि हम बाबा की चौकी पे जाने के लिए थोड़े से लेट हो गए हैं। कहीं ना कहीं संकेत के अंदर अभी भी एक बच्चा छुपा हुआ है जिसका नजारा हमें मिला जब उनके इस फेवरेट पास टाइम यानी बाइसाइकिलिंग करते हुए देखकर। भाई अभी भी उन्हें साइकिल चलाने का शौक है और सुबह सुबह साइकिल जरूर चलाते हैं। आप सभी से निवेदन है देशवासियों, साइकिल निकालो, उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, टाइम भी बच जाता है, फ्यूल भी बचता है, पोल्यूशन नहीं होता, हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और वक्त ना मिले तो आप अपने ऑफिस या फिर अपने काम के लिए जब निकलते हैं साइकिल पे ही निकलिए जैसे मैं निकला हूँ।
अब वक्त है संकेत के साथ उनके नए शो बाबा की चौकी सीजन 2 के सेट पर जाने का, क्योंकि आज उनके शो पर ढेर सारे मेहमान हैं और उन्हें संजू बाबा बन के सबका एंटरटेनमेंट करना है। तो सीधे सवार हो जाते हैं उनके साथ उनकी गाड़ी में और चलते हैं उनके सेट पर। अब वक्त है कलाकार से किरदार पे ढलने का, यानी डॉक्टर संकेत से वो बनेंगे संजू बाबा। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चला है कि मैं डॉक्टर संकेत से बाबा बन जाऊं। स्टार्ट। और शुरू करेंगे बाबा की चौकी। भाई इसके लिए उनके चेहरे पर मेकअप होता है, बाल थोड़े सेट होते हैं और संजय दत्त की तरह वो पहन लेते हैं पठानी सूट और गले में ये माला लटक जाती है और उनके हाव भाव वो हुलिये भी बदल जाते हैं। नाउ आई एम इन दिस, कोई आवाज नहीं करेगा। कम, ये छोटा खिड़की जैसा बना है, इधर में जाके सब फैंस को बोलते हेलो, खाना खा के जाओ और अपना ख्याल रखो। भाई संजू बाबा के रूप में आते देखिए कैसी कॉमेडी कर रहे हैं संकेत, और इनके लपेटे में आ गई पूरी यूनिट। सास बहु बेटियां सब आ गए यहाँ पे। और ससुर आए क्या पूछ रहे हो? नहीं, ससुर नहीं है, सिर्फ सास बहु और बेटियां। अच्छे से करो भाई, मैं बैठने वाला हूँ, एकदम मस्त करो। अरे सूरज आ गया, सूरज आ गया। गुड मॉर्निंग। तो ये फिल्म लाई अंकित? ये अंकित जी है, ये मैं हूँ और ये हम हैं। टोपी का शौक है अपने को। ए हाथ देने आ रहे, फुकट का पगार चाहिए सब। इसका खुद का हाथ ऐसा ऐसा। अरे आपका हाथ हल रहा है, एज एज की वजह से होता है। नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ हल रहा है। झा साहब, हाउ आर यू? अन्नदाता है अपने इधर के, ही ब्रिंग्स फूड फॉर मी। जरा सॉफ्ट चाहिए। खैर अब चलते हैं सेट पर, क्योंकि आज बाबा की चौकी में खास मेहमान है प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर। और देखिए प्रियंका भी संजू बाबा की चौकी में आकर हंसे बिना नहीं रह पाई, और ऐसा ही हाल फरहान अख्तर का है। शूटिंग के बाद डॉक्टर संकेत करते हैं रिलैक्स और सबको देते हैं हंसी का डोज। तो देखिए आपने इस डॉक्टर की कहानी जो सबको हंसाता है। घर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस को देखा है, लेकिन रियल लाइफ में ये है मुन्ना भाई एमबीबीएस जो डॉक्टर होने के साथ साथ हंसी की ऐसी दवाई सबको देते हैं कि आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। और आज सास बहू बेटियां ने हमने इस हास्य कलाकार की रियल लाइफ जिंदगी और अनजानी बातों को बताया जो शायद आपको इंटरनेट और बाकी जगह नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ सास बहू और बेटियां में। आपने देखा मैं डॉक्टर संकेत कैसे संकेत से बाबा बनता हूँ। आपने मेरा घर देखा, घर बार देखा, बार नहीं देखा ना, घर देखा, ये सेट देखा, ये सेट पे मजाक देखा। इसी तरह आप प्यार करते रहिए, सास बहू बेटियां आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, पतियों को भी प्यार और ससुर जी को भी प्रणाम। थैंक यू, खुदा हाफिज़। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।